So the Chief of Army Staff, Kamar Javed Bajwa Saab, is here as well. And we know that he is a huge, huge cricket fan. Sir, thank you for joining us. Obviously, aap follow karte hain cricket ko itna closely dekhte hain. To kaun si aisi performance ya jeet jisko aapne bahut personally enjoy kiya ho? एक तो वो जैसे रवि राजा साहब ने बताया जो इंडिया से हम जीते, एक जिंक्स टूटा कि वर्ल्ड कप में, वो मेरा बेटा मुझे हमेशा कहता था कि आज तक वर्ल्ड कप में हम जीते नहीं हैं, तो जब वर्ल्ड कप में हम जीते शारजा में तो दैट वाज समथिंग वेरी गुड। और फिर दोबारा उनको हराया हमने, और अभी भी अपना उधर ऑस्ट्रेलिया में बड़े क्लोज मार्जिन से हारे। तो अभी एक ज़माना था कि हम जिस वक्त राजा साहब खेलते थे तो उस ज़माने में इंडिया को हम हर मैच में हरा दिया करते थे, फिर एक ज़माना आया कि हमने हर मैच हारना शुरू कर दिया। अब दोबारा से हमारी टीम खड़ी हो गई है, माशाल्लाह, दे आर डूइंग वेरी वेल। सो मेनी प्लेयर्स आर हियर एंड दे आर ऑल वेरी प्रॉमिसिंग, बट आपको कोई इंडिविजुअल परफॉर्मेंस या कोई ऐसा प्लेयर जिसको आपने देखा और कहा हाँ ये इसके अंदर बहुत पोटेंशियल है? ये बड़ा मुश्किल सवाल है, बिकॉज एक का नाम लूंगा तो बाकी नाराज हो जाएंगे। बाबर इज वेरी गुड, रिजवान इज वेरी गुड, लेकिन मेरा ख्याल है 2020 के लिहाज से शादाब इज वेरी गुड, बिकॉज ही इज अ कंप्लीट ऑलराउंडर। थैंक यू कहना चाहेंगे शादाब? थैंक यू सर। लेकिन जिम्बाब्वे का मैच भी इन्होंने हरवाया, छक्का मारने के बाद अगले बॉल पे हिट मारने की जरूरत नहीं थी। सर वही कुदरत का निजाम है, मैं आउट हुआ तो फाइनल में पहुंचे। कभी हम डायरेक्ट भी फाइनल में पहुंच सकते हैं कभी। अच्छा, वन मोर थिंग, ऑब्वियसली यू नो वी टॉक अबाउट लीडरशिप एंड दैट्स योर फोर्टे, यहाँ पे बाबर बैठे हुए हैं, पूरी टीम है, so any message for the team in that regard, leadership skills ke hawale se, or anything that you'd like to say to everyone that is sitting here in that regard? Leadership ka kaam hai ladana, haar jeet hoti rehti hai. Leadership ke do you know badi important cheeze, ek to difficult decision lena, agar decision theek ho jaye to koi baat nahi hai, galat ho jaye to usko accept karna, that is the great quality of a leader. Jo leader apni galti maan nahi sakta, accept nahi kar sakta, wo leader nahi banta. Team ko ladana leader ka kaam hai. देखिए 137 स्कोर कोई था ही नहीं, ले इंडिया 160 के करीब पहुँचा है और वो 10 विकेटों से हार गया, दे वॉज वन साइडेड मैच। इन्होंने इस फाइनल को बना दिया था, मेरे ख्याल में वी वेरी वेरी क्लोज, अगर वो मेरे ख्याल से शाहीन जख्मी ना होता तो शायद मैच बन जाता। तो आई थिंक लीडरशिप, फाइटिंग, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, दैट शुड बी द क्वालिटी ऑफ अ लीडर। ओके, थैंक यू सो मच, प्लीज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर सर।